जिस तरीके से गुड़गांव फरीदाबाद के बीच में जो हमारा ये एक्सप्रेसवे है, इसमें एक हॉटस्पॉट में इसको कहूंगा, क्योंकि क्रिटिकल टर्न भी था और बंदवाड़ी गांव को आने जाने का मुख्य रास्ता था, उसके अंदर कई दुर्घटनाएं पिछले वर्षों में हुई और लंबा ट्रैफिक जाम निरंतर इस क्षेत्र में रहता था। बधाई दूंगा डिपार्टमेंट के लोगों को कि एक साल जिसमें कोविड का भी असर रहा, 6 महीने कोई कार्य नहीं रहा, वहाँ जो प्रोजेक्ट 24 महीने में कंप्लीट होना था उसको कोविड के बावजूद भी 21 महीने में कंप्लीट कर दिखाया। इसके लिए एक एक अधिकारी और बधाई के पात्र है कि इनकी मेहनत से मुझे लगता है कि फरीदाबाद गुड़गांव के बीच का ये मुख्य जंक्शन आज स्टॉप फ्री बना है। इसके अंदर 2 जंक्शन और ऐसे हैं जिसको हम जल्द NHAI के साथ टेकअप कर उसको भी अप्रूवल के अंदर लेकर आएंगे कि हमारा जो ये मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड है ये इसी तरीके से बिना स्टॉप का एक क्रॉस जंक्शन बने दोनों हमारे मेजर डिस्ट्रिक्ट जो बिजनेस हेडक्वार्टर्स कह ले सकते हो, इंडस्ट्री हेडक्वार्टर्स कह सकते हो, उसके कनेक्शन में। क्योंकि ये जो सड़क है ये आने वाले समय में बड़ी अहम भूमिका निभाएगी जब जेवर एयरपोर्ट बनेगा, क्योंकि IGI से फास्टेस्ट रूट अगर जेवर एयरपोर्ट का होगा तो उसके अंदर भी इसकी एक अहम भूमिका आने वाले भविष्य में रहेगी, जो ट्रांसपोर्ट को और ट्रेड को एक नया कीर्तिमान देने का काम करेगा। सर, अभी हाल ही में गुरुग्राम और जो द्वारका एक्सप्रेसवे है उसका एक हिस्सा गिर गया, क्या इस जो फ्लाईओवर इसको हम सेफ मान सकते हैं जनता के लिए? देखिए, अगर पूरी टेस्टिंग हुई और एक्सपीरियंस्ड अधिकारियों लगन के साथ ही कंप्लीट, जो आप बात कर रहे हैं द्वारका एक्सप्रेस वे, वो अंडर कंस्ट्रक्शन था। कंस्ट्रक्शन एक नहीं, दुनिया भर के अंदर अनेकों ऐसी घटनाएं हैं जहां पर कुछ ना कुछ टेक्निकल या मैकेनिकल फेलियर की वजह से ब्रिजेस कंप्लीट होने से पहले टेस्टिंग फेज में कोलैप्स करते हैं। उसके ऊपर भी 10 सदस्य कमेटी बनाई गई है जो अपनी 10 दिन के अंदर रिपोर्ट दे। अगर कहीं अनियमितताएं रही है, प्रॉपर टेस्टिंग नहीं हुई टाइमलीनेस के साथ, तो सख्त एक्शन लिया जाएगा। उससे पहले जो घटना सोना वाले हमारे एक्सप्रेसवे पे हुई थी, NHAI ने तुरंत उस पर संज्ञान लेते हुए कड़ी कार्रवाई की। सर, कल हिसार में आपका कार्यक्रम था, किसानों ने वहाँ पे जो है विरोध किया, मैं तो आपके सामने खड़ा हूँ, कोई विरोध है सर यहाँ हिसार में था? मैं तो एक चीज जरूर बता सकता हूँ, पीसफुल प्रोटेस्ट करना सबका अधिकार है, कॉन्फ्रंटेशन हम नहीं चाहते। हमारा लक्ष्य है किसान को उसकी फसल का उचित दाम तय समय पे दिया जाए, वो भी उसके खाते में। और पहली बार है कि हमारे इस निर्णय की वजह से जो सरसों MSP से 300-400 रुपए 4600 से नीचे बिकती थी, पहली बार ऐसा सामने आया कि एक दाना भी सरकारी खरीद के लिए किसान नहीं ला रहा, क्योंकि आज मार्केट रेट डायरेक्ट सेलिंग का 5200-5300 कई जगह तो 5400 तक टच करा। गेहूं की कल से खरीद शुरू हुई थी, हमारे पास लगभग 13 मंडियों के अंदर गेहूं का आह्वान आया, बकायदा एक एक फार्मर की गेहूं को सरकार ने जैसे जैसे उसका नंबर आया खरीदा। आज भी सुबह से मैं रिव्यू ले रहा हूँ, मेरे सामने कोई पलवल की एक घटना जरूर सामने आई है जहाँ पर कोई बाधा आ रही है फार्मर जो अपनी फसल लेकर आया है, और उसके लिए भी मैंने अधिकारियों को आदेश दे दिए कि उसको तुरंत प्रभाव से निपटाया जाए। अगर किसी तरीके कई भी कोताही अगर कोई अधिकारी प्रोक्योरमेंट प्रोसेस में बरते तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हम करेंगे। हमारी प्राथमिकता है कि जो रजिस्टर्ड फार्मर है उसको जिस दिन बुलाया गया अगर वो अपनी फसल लेकर आता है तो उसको तुरंत खरीदा जाए। और इसके लिए हमने ऑप्शन भी दिया है कि 50% सरकार बुलाएगी किसानों को, 20% किसान जिनकी फसल पक चुकी है और वो चाहते हैं कि उनकी डेटेड अराइवल से पहले सरकार उनकी खरीदे, वो अपने आप को रजिस्टर करा सकते हैं 24 आवर्स में, उनको भी टोकन दिया जाएगा। और 30% ये पावर
हमने आढ़ती भाइयों को भी दी है कि जिनका पुराना किसानों से लेन देन रहा है, अगर उनका फार्मर उनको कॉन्टेक्ट करता है कि हम तय तारीख से पहले अपनी फसल लाना चाहते हैं, तो आढ़ती के माध्यम से भी अपने आप को रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के अंदर प्रीपोन करा सकते हैं। सर, अभी हमारा ये प्रयास है कि किसान को परेशान ना होना पड़े इस पूरी महामारी के अंदर, मंडियों में अव्यवस्था ना फैले और हमारे प्रदेश के एक एक किसान का एक एक दाना खरीदे। आपकी सरकार में मानेसर हरियाणा की सबसे बड़ी इंडस्ट्री कहा जाती है, और साथ ही साथ जिस तरीके से एक सर्वे में रिपोर्ट आई कि वो यहाँ से प्लान करने वाले हैं, आपकी सरकार में 70% नौकरी देने का कानून पास हुआ। धन्यवाद करूंगा, आपने सवाल भी पूछा। हमने 8 चरणों की बैठक इंडस्ट्री के साथ इस लॉ को लाने से पहले करी, लिखित तौर पे भी इंडस्ट्री से सुझाव मांगे हैं, और अभी सप्ताह पहले तमाम इंडस्ट्रियल एसोसिएशन, तमाम हरियाणा में इस्टेब्लिश्ड बड़ी इंडस्ट्री के साथ हमने बैठक भी करी है, और साझा करते हुए खुशी होती है। जहां आप खड़े हो यहां से 5 किलोमीटर दूर एस्कॉर्ट्स करके एक बहुत बड़ी ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उनके जो चेयरमैन है निखिल नंदा जी, उनने भी भरी मीटिंग में ये कहा कि आज की ये डिमांड थी कि ऐसा एक्ट प्रदेश में आए। कोई भी लॉ बनता है तो पहले दिन परफेक्ट नहीं होता, बिल्कुल। कई लोगों का सुझाव आया है कि सरकारी नौकरी में जो जेई का पे ग्रेड है 50,000 को कम कर उसके बराबर किया जाए, उस पर सरकार मंथन कर रही है। कई लोगों के सुझाव आए कि टेक्निकल जो पोस्ट है जिसके अंदर एक स्पेसिफिक स्किल सेट से कार्य होता है, हमने इस एक्ट में पहले ही प्रोविजन करी है। ये भ्रम फैलाया जा रहा है कि अगर कोई ऐसी जॉब है जिसके अंदर कोई टेक्निकल स्किल सेट की जरूरत है, उसको हम एग्जेम्पशन देने का काम करेंगे। मगर आज चौकीदार है, PN है, चपड़ासी है, ये ऐसी जॉब है जिसमें कोई टेक्निकल स्किल सेट की जरूरत नहीं है। 1 मई से पूरे प्रदेश के अंदर एक्ट लागू होगा, और आने वाले भविष्य में 1 मई के बाद कोई भी नया रोजगार बने, चाहे वो किसी नए उद्योग में हो चाहे चलते हुए उद्योग, अगर कोई नया रोजगार बनता है तो उसके अंदर हरियाणा के युवाओं की हर 4 में से 3 जॉब में हिस्सेदारी। राइट ऑफ वे की बात है, मुझे नहीं लगता कि 1 इंच भी जो डिमार्केटेड लैंड है उसके अंदर शॉर्टेज रही होगी इस ब्रिज को बनाने। आपको कौन बता रहा है कि कब पूरा रोड, पूरा फरीदाबाद से गुड़गांव तो पूरा इंक्रोचमेंट है, उसको कोई उसके डॉक्यूमेंटेशन है वो भी, उसको आप अगर साझा करेंगे तो जरूर उसकी भी इंक्वायरी कराएंगे।